हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज मैं ग्वार फली की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसे छत्तीसगढ़ में चूर चुटिया भी बोलते हैं और कहीं कहीं इस सब्जी को वाह वाह भी बोलते हैं। मेरी तरफ इसे वाह वाह भी कहते हैं। इसको इस प्रकार से कुछ छील लीजिएगा। छीलना क्या है, रेसे निकाल दीजिएगा और इसे इस प्रकार से कट कर लीजिएगा। अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद इसे बॉयल कर लीजिएगा। इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये कच्चे मसाले से भी बनती है, लेकिन मैं आज आपको पके मसाले से बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ये सब्जी बहुत पसंद है, वो आए दिन मुझसे बनवाते रहते हैं। इस प्रकार से छान भी लीजिएगा। चलिए मसाला बनाते हैं। प्याज है, मिर्ची है, लहसुन है, और राई है। राई आपके पास जो भी हो, पीली हो, काली हो, जो भी हो, 2 चम्मच। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सब्जी मसाला। राई इस सब्जी में डालना मस्ट है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए कढ़ाई में तेल डालते हैं, जीरा चटकने देते हैं और फिर ये मसाला डाल देते हैं। ये वाली सब्जी रोटी से खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप लोग किस चीज़ से खाना पसंद करेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ग्वारफली को डाल देंगे। कुछ लोग इसे उर्द वाली सेम भी कहते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। हर जगह इसके कई नाम हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाओं में ये बोली जाती है। अब इसे थोड़ी देर हम ढककर पका लेंगे कि जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है बॉयल करते समय वो पूरी तरह से सूख जाए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ग्वार फली की मसालेदार चटपटी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।